कई ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने यहाँ पर टीवी इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने कोशिश भी की थी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग के जरिए परचम लहराने की, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सका। आज ऐसी ही टीवी इंडस्ट्री के एक ऐसी एक्ट्रेस को लेकर हम बात करेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल की है और इस स्ट्रगल के साथ साथ उनकी हेल्थ पर कितना ज्यादा असर पड़ा है। तो बताते चले कि आज हम बात कर रहे हैं टीवी की फेमस एक्ट्रेस रतन राजपूत को लेकर। जी हाँ, रतन राजपूत जिन्हें लेकर इस वक्त आ चुकी है बहुत ही बड़ी खबर सामने, जहां पर रतन राजपूत ने सालों बाद अपनी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा खुलासा किया जिसे जानने के बाद सभी के होश उड़ गए। आखिर क्या कुछ कहा रतन राजपूत ने, देखिए खास रिपोर्ट। दर्द सहने के लिए खाए 6-6 पेन किलर, बीमारी को मात दी, जाने इस वक्त कहाँ है एक्ट्रेस रतन राजपूत। अगले जन्म मुहे बेटिया ही की जो फेम रतन राजपूत यानी कि टीवी के लाल इन दिनों एक्टिंग से दूर है। हर कोई जानना चाहता है कि वो इस वक्त कहाँ है और क्या कर रही है। आपको बताते चले कि रतन राजपूत ने इस वक्त अपनी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा खुलासा किया जिसके बारे में फैंस नहीं जानते। जी हाँ, रतन ने बताया कि साल 2008 में उनके पिता का कैंसर से निधन हो गया। जिंदगी के उस मोड़ पर दर्दनाक किस्से को शेयर करते हुए रतन ने कहा, मैंने अपने पिता की बीमारी के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। मैंने अपनी माँ को भी पिता की बीमारी के बारे में नहीं बताया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वो बताएंगी तो उनकी माँ परेशान हो जाएगी। लेकिन बाद में रतन को ऐसा लगा कि वो अपनी माँ के साथ गलत कर रही है। इसी के साथ रतन भारद्वाज ने कहा कि मैं काम छोड़कर पटना चली गई। मैंने अपने पिता का इलाज करवाया जहाँ पर उनका भाई उनके मदद के लिए आता था, लेकिन उनके भाई को भी डेंगू हो गया था जिसकी वजह से रतन को काफी गुस्सा आता था कि ये सब कुछ उनके साथ क्यों हो रहा है। पिता के जाने के बाद रतन भारद्वाज को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया था। दर्द सहने के लिए रतन 6-6 पेन किलर लेती थी। ये सब जो हो रहा था उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। अगर ये नहीं होता तो रतन भारद्वाज का करियर एक्टिंग अच्छा चल रहा होता। ये सब नेचर का किया हुआ है, पर इन सारी चीजों में उन्होंने जिंदगी को जीना सीख लिया। जी हाँ, ये सीखा कि हर दिन कैसे जीना है, क्योंकि उस वक्त जो भी मुझे लगा पैच क्योंकि उस वक्त रतन भारद्वाज को जो भी लगता था वो उतनी सिर्फ रुलाने की कोशिश करता था। जी हाँ, रतन भारद्वाज ने ये भी कहा कि इन सारे हालातों की वजह से वो इंडस्ट्री से काफी दूर हो गई, नहीं तो आज वो भी करियर के पीक पर होती। फिलहाल रतन राजपूत यूट्यूब पर एक्टिव है और व्लॉग के जरिए फैन से रूबरू होती रहती है। रतन दुनिया और खुद को जानने के लिए ट्रैवलिंग भी करती है। जी हाँ, मुश्किल हालातों को पार करके अब एक्ट्रेस रतन आगे बढ़ रही है और जल्द ही पर्दे पर जबरदस्त कमबैक करेगी। नेक्स्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट रतन राजपूत को लेकर, जहां पर किस तरह से उन्होंने बताया कि यहां पर एक्टिंग के दौर में जब उन्होंने पहली बार कदम रखा था तो कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी के करियर की शुरुआत की थी और उस वक्त उनका कितना बुरा हाल था। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया।